पुलिस प्रशासन ने परिवार के ऊपर पूरा दबाव बनाया हुआ है कि बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए। परिवार सहमत नहीं है परिवार के ऊपर भारी दबाव बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे सामाजिक संगठनों से विभिन्न हजारों की संख्या में लोग आए हैं, तो उनको भी दबाया जा रहा है, उनको डराया धमका जा रहा है, उनको भी इसको लेकर भारी पुलिस जाब्ता है, वो जालों से भी मंगवाया गया है। अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वर्तमान में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने परिवार के ऊपर पूरा दबाव बनाया हुआ है कि बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए। परिवार सहमत नहीं है परिवार के ऊपर भारी दबाव बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे सामाजिक संगठनों से विभिन्न हजारों की संख्या में लोग आए हैं, तो उनको भी दबाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको भी इसको लेकर भारी पुलिस जाब्ता है, वो जालौर से भी मंगवाया गया है। लोगों में भारी आक्रोश है, बाड़मेर से भी जाब्ता मंगवाया है, जालौर से भी मंगवाया है। बहुजन समाज में भारी आक्रोश है कि जिस प्रकार से ये दर्दनाक हत्या हुई है, उनको ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही परिवार की मांग है कि पीड़ित परिवार को, ये सामाजिक संगठनों की मांग है, पीड़ित परिवार की मांग है कि उन्हें 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी से दी जाए। लेकिन उसको लेकर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है और बॉडी का दाह संस्कार करने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पे इंटरनेट पूरी तरह से बंद है और माहौल को देखते ही ये लग रहा है कि इस मामले को दबाने के लिए ऊपर से काफी प्रेशर आ चुका है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। कहने को तो हम आजादी का 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के विभिन्न राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत शर्मनाक है। हमारे एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर तिरंगे की डीपी लगाओ। लेकिन आज भी जो है जाति के चलते एक ब्राह्मणवादी मनुवादी जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो एक दलित छात्र को इसलिए मार देता है, इसलिए हत्या कर देता है क्योंकि उसने उसके मटके से पानी पी लिया था। जी हाँ, आपको राजस्थान के जालौर की खबर तो पता लग ही चुकी होगी, लेकिन हम उससे आगे की बात करेंगे। जालौर में जिस तरीके से एक अध्यापक ने, मनुवादी ने जिस तरीके से एक दलित छात्र को इसलिए मार दिया, इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने उसके मटके से पानी पी लिया था, ये आजादी के 75वें वर्ष में हो रहा है। आप कल्पना कीजिए कि जो जातिवाद का जहर है, जो 2000 सालों से चला आ रहा है, वो आज भी किस तरीके से दलितों की जान ले रहा है। लेकिन ये खबर मीडिया से गायब है। जो मीडिया राजस्थान के उदयपुर की घटना पर रो रहा था, आज ये खबर उस मीडिया से गायब है, इस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। देखिए, सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग लिख रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने जो मृत है उसको 5 लाख देने का जो ऐलान किया है, उससे भी लोग भड़के हुए। जहां एक तरफ गहलोत सरकार ने कन्हैया लाल के मरने पर 5 लाख और उसके बेटे को नौकरी दी थी, वहीं अगर दलित मरता है तो उसकी कीमत 5 लाख होती है। जी हाँ, दिलीप मंडल ने बढ़िया पोस्ट लिखी है, वो भी सुनाऊंगा। और इसके अलावा किस तरीके से जो सोशल एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया पर खासकर जो बहुजन एक्टिविस्ट है, किस तरीके से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और जाहिर करना भी चाहिए कि आज हम आजादी के अमृत काल में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जातिवाद का जो जहर है वो खत्म नहीं हो रहा है। क्यों खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इस पर बात नहीं करते। जो गोदी मीडिया है, मनु मीडिया है, वो इस पर बात नहीं करती, चर्चा नहीं करती। अगर वहीं इसमें कहीं मुस्लिम एंगल होता तो अब तक पूरा देश में डिबेट चल रही होती कि किस तरीके से मुसलमान ने एक
बच्चे की हत्या कर दी। आपको याद होगा यूपी में एक मुस्लिम छात्र की भी हत्या कर दी गई थी, उस पर घड़ी चुराने का आरोप था और टीचर ने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई थी। तो मुसलमान और दलित और पिछड़ा अगर मरता है तो उसकी खबर भी नहीं बनती, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कन्हैया लाल मरता है तो उसकी खबर इंटरनेशनल इशू बन जाता है, हिंदू मुस्लिम की जाती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से इन मनुवादियों को फायदा होता है, आरएसएस को फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है, इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की स्टोरी ढूंढते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इस 9 साल के छात्र की हत्या की गई है उससे पूरा समाज जो है वो गुस्से से उबला हुआ है और सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। मैं आपको एक एक पढ़ के सुना देता हूं कि कौन क्या लिख रहा है। ये देखिए, सूरज कुमार बोध है, उन्होंने लिखा है, प्रगतिशील महानुभावों को मोतियाबिंद हो गया है, उन्हें जालौर के मासूम बच्चे की हत्या नजर नहीं आ रही है, जिसे मटके से पानी पीने पर सवर्ण शिक्षक ने पीट पीट कर मार डाला, शर्म करो जातिवादियों, अशोक गहलोत इस्तीफा दो। तो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों लगातार जो है दलित पिछड़ा आदिवासियों पर जुल्म करते रहते हैं। और ये देखिए, गाय का मूत पीकर पवित्र होने वाले इंसान के छूने से अपवित्र हो जाते हैं, जालौर में एक ऐसी छात्र ने मटके से पानी पिया तो अब पानी अशुद्ध हो गया, सवर्ण शिक्षक ने बच्चे को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। आगे लिखते हैं, देखिए, हत्यारा शिक्षक छेल सिंह राजपूत है और मृतक छात्र इंद्र मेघवाल, अत सीएम गहलोत ने बच्चे की जान की कीमत 5 लाख लगाई है, शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस आरएसएस कितनी निर्मम और निर्दय है। आप सोचिए, वहीं अगर कन्हैया लाल मरता है तो उसको 50 लाख और उसके बेटे को नौकरियां मिलती है, लेकिन इंद्र मेघवाल जब मरता है तो उसकी कीमत 5 लाख लगाई जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का भेदभाव आज भी, आजादी के 75 साल बाद भी हो रहा है। और ये देखिए, शर्म कीजिए और चुप्पी तोड़ी राहुल गांधी, आपकी ही सरकार में कक्षा 3 में पढ़ रहे एससी बच्चे ने मटके से पानी पिया तो सवर्ण शिक्षक ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, इसे आप हिंदुइज्म कहेंगे या हिंदुत्ववाद? जिस तरीके से राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद में डेफिनेशन समझा रहे थे, अब वो मौन है। वहीं अगर बीजेपी शासित राज्य में दलितों पर अत्याचार होता है तो प्रियंका और राहुल गांधी दोनों जो है दौड़े दौड़े चले जाते हैं और पूरा पब्लिसिटी लूट लेते हैं, लेकिन इनकी सरकार में जब हत्याएं होती हैं, एट्रोसिटी होती है, तो ये खामोश हो जाते हैं। अब इनकी सरकार है तो इनको दीजिए मुआवजा और इनके माँ बाप को फाइनेंशियल मदद कीजिए, और जो दोषी है, जो मनुवादी वो शिक्षक है सवर्ण, उसको कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर और जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, तभी इंसाफ होगा। तो यही इंसाफ का तकाजा है। और ये देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव, आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप सभी डीपी चेंज करें, इंद्र मेघवाल को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुटता दिखाएं। तो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है, जिस तरीके से इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई उसके बाद से सारे बहुजन एकजुट है और सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं। और जो वो शिक्षक है छेल सिंह राजपूत, जिसको अपनी जाति पर गर्व है, और इसकी मानसिकता देखिए कि एक बच्चे के पानी पीने से उसका पानी अशुद्ध हो गया, जबकि आप सब लोगों को पता है कि कौन गाय के मूत्र का सेवन करता है, कोई गोबर का सेवन करता है, ये आप लोग सब जानते हैं, लेकिन एक बच्चा, एक इंसान जब इनके मटके को छू लेता है तो वो अपवित्र हो जाता है, लेकिन गाय गोबर गोमूत्र से ही अपवित्र नहीं होते हैं, शुद्ध होते हैं। ये देखिए, हंसराज मीना ने लिखा है, जहां आस्था के नाम पर गाय का मूत्र खुशी खुशी पी लिया जाता है, वहां एक दलित बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। जालौर की इस घटना पर जातिवादी मीडिया इसलिए खामोश है क्योंकि यहाँ अपराधी की जाति आड़े आती है, अपराधी मुस्लिम होता तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता। आप सोचिए, अगर इसमें कहीं मुस्लिम एंगल होता तो अब तक क्या हालात होते, पूरा मुस्लिम समाज इसके लिए जिम्मेदार होता। खबर देखिए, हेडमास्टर की मटकी से पानी पीने पर दलित छात्र की हत्या, सिर्फ 9 साल का बच्चा था जिसको ये भी मालूम नहीं होगा कि जातिवाद होता क्या है, और वो जो है जातिवाद का शिकार हो गया, अपनी जान गंवा दी। ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जिनको जातिवाद के चलते उनकी हत्या हुई है। ये देखिए, और ये वाकई में शहीद हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं जातिवाद को खत्म करने के लिए। अब इसके जरिए एक अभियान उठना चाहिए और जातिवाद पर बात होनी चाहिए और उसके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने लिखा है, सच्चा हिंदू गाय बैल का मूत पीकर शुद्ध होता है और अपने ही जैसे इंसान का छुआ पानी पीने से अशुद्ध होता है। घटना राजस्थान के सरस्वती विद्यालय की है, जहां हाई कोर्ट में हरामखोर मनु की मूर्ति है। शिक्षक का नाम छेल सिंह राजपूत है, गहलोत सरकार ने मरे बच्चे की कीमत 5 लाख रुपए लगाई है। तो जो गहलोत सरकार ने जो कीमत लगाई है उस पर भी सवाल उठ रहा है
कि दलित अगर मरता है तो उसकी कीमत 5 लाख होती है। हालांकि ये तो गनीमत है, मुसलमानों को तो मुआवजा भी नहीं मिलता बल्कि उसी को जेल में डाल दिया जाता है, उसके रिश्तेदारों को। ये देखिए कन्हैया लाल केस में गहलोत ने 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी। हर जिंदगी की कीमत अशोक गहलोत सरकार की नजर में बराबर नहीं है, यही तो मनु का विधान है। तभी तो सरकार ने हाईकोर्ट में बदमाश मनु की मूर्ति को सजे कर रख रखा है। ये देखिए मरने तक और हंगामा होने तक केस भी दर्ज नहीं हुआ था, दबाव डालकर समझौता करा लिया, जाने कितने ऐसे केस दर्ज नहीं होते। ये देश की हकीकत है, आप सोचिए बड़ी मुश्किल से वहां पर केस दर्ज हुआ है। और ये तो आप सोशल मीडिया है जो हम लोगों को पता चलता है, जिससे बात बन जाती है तो सरकार थोड़ा बहुत एक्शन ले लेती है, वरना ऐसी तमाम कितनी कहानी है जो हमारे हम तक पहुंच भी नहीं पाती थी। अब शुक्र कीजिए सोशल मीडिया के जरिए कि कम से कम लोगों को पता चलता है, आवाज उठती है, और इसी बहाने सरकार कम से कम कुछ एक्शन तो लेती है, जिसका नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ की उम्मीद झलकती है। और जिस तरीके से इंद्र मेघवाल की हत्या की गई उसके बाद से पूरे सोशल एक्टिविस्ट, पूरा सोशल मीडिया जो है वो गुस्से से उबल रहा है। सभी लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो वो जातिवादी मनुवादी सवर्ण टीचर है उसको जल्दी से जल्द सजा दी जाए, और जो मृत है, जो इंद्र मेघवाल है, उसके परिवार को ज्यादा मुआवजा दिया जाए। यही कांग्रेस की सरकार जब कन्हैया लाल मरता है तो 50 लाख का मुआवजा देती है, वहीं अगर कोई दलित मरता है, इंद्र मेघवाल मरता है, तो उसकी जान की कीमत सिर्फ 5 लाख लगाती है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।